Today we are going to study different devices which are used to measure current, voltage or resistance. जैसे मान लो कि हमें सर्किट में फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है, वी यूज एम्पियर मीटर. सिमिलरली सपोज वी वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, देन वी यूज वोल्ट मीटर. सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है, देन वी यूज गैल्वेनोमीटर. सिमिलर वे इफ वी वांट टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन एनी सर्किट, देन वी यूज व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट, इट इज सर्किट. लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, जो हम इसके बाद वाले वीडियो में स्टडी करेंगे. इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस बॉक्स करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो भी इसी कंसेप्ट पर वर्क करता है. तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कैसे कनेक्ट की जाती है, दैट विल स्टडी. हियर वी हैव कनेक्टेड वन व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. वी हैव फोर आर्म्स हियर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. वी हैव कनेक्टेड फोर रेजिस्टेंस, दीज आर कॉल्ड फोर आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. नाउ बिटवीन टू अपोजिट आर्म्स ए एंड सी वी हैव अटैच्ड वन बैटरी, एंड सिमिलर वे रिमेनिंग टू आर्म्स बी एंड डी, बिटवीन दीज टू आर्म्स वी हैव कनेक्टेड वन गैल्वेनोमीटर. नाउ वी हैव कनेक्टेड फोर रेजिस्टेंस हियर, आउट ऑफ विच आर वन एंड आर टू आर नॉन रेजिस्टेंस एंड हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज, व्हाइल आर थ्री इज एक्चुअली अ रेजिस्टेंस बॉक्स. इट इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है हम यहां पर जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस सर्किट में अटैच करना चाहे हम उसे अटैच कर सकते हैं. कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करना है यहां पर आर थ्री में, तो दैट इज पॉसिबल. एंड अवर अननोन रेजिस्टेंस इज आर फोर विच इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट सी. सो दिस इज अबाउट कनेक्शन ऑफ सर्किट. नाउ हाउ द सर्किट विल वर्क. सो फर्स्ट विल स्विच ऑन दिस की, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. सपोज वी कंसिडर करंट आई इज फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी. करंट आई विल रीच टू पॉइंट ए विच इज जंक्शन पॉइंट, एंड करंट विल बी डिवाइडेड इन टू टू सेगमेंट्स. सपोज करंट आई वन इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर वन, एंड करंट आई माइनस आई वन रिमेनिंग करंट विच विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर थ्री. आई वन करंट विल रीच ओवर हियर, आई वन, आई माइनस आई वन करंट ये वाले पार्ट को क्रॉस करके यहां से आगे बढ़ेगा, आई माइनस आई वन, एंड दैट विल रीच टू पॉइंट डी. सिमिलर वे यहां से करंट आई वन पहुंचेगा पॉइंट बी पर. अब पॉइंट बी जंक्शन पॉइंट है, पॉइंट डी इज ऑल्सो जंक्शन पॉइंट. दैट मीन्स फ्रॉम पॉइंट डी करंट शुड डिवाइड इन टू टू सेगमेंट. कुछ करंट यहां से ऊपर की साइड जा सकता है, रिमेनिंग करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है. सिमिलर वे जो बी पॉइंट में पहुंचने के बाद भी करंट दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है. एक करंट जो है वो बी से ऐसे गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर में करंट के फ्लो होने की दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो वो डी से गैल्वेनोमीटर की साइड पर करंट जाएगा अपर डायरेक्शन, और करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर करंट ऊपर से नीचे की साइड पर आता है तो गैल्वेनोमीटर वन डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, अगर करंट ऊपर जाएगा देन इट विल डिफ्लेक्ट इन अनदर डायरेक्शन. तो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा कि ये ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है और यहां से नीचे या यहां से ऊपर फ्लो हो रहा है. अगर करंट नीचे फ्लो होता है तो इसका मतलब कि वीबी का वोल्टेज ज्यादा है, और अगर करंट डी से बी की साइड जाता है तो वीडी का वोल्टेज ज्यादा है. अब हमें क्या करना है, तो सर्किट में सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है. बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कैसे करेंगे. तो हम अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि सपोज ऊपर वाला वोल्टेज जो है वो लो है, यहां पर वोल्टेज जो है वो हाई है, और करंट नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. हमें यहां पर वोल्टेज को डिक्रीज करना पड़ेगा
तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों का वोल्टेज इक्वल हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो जीरो बनेगा। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है रेजिस्टेंस आरबी, वी कैन चेंज दिस वैल्यू। अगर हम इसका वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज कर देते हैं, सपोज हम यहां पर हायर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, पहले मान लो कि यहां पर 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, अब हम उसकी जगह पर बढ़ा के 15 या 18 ओम कर देते हैं, तो यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर जो रिमेनिंग वोल्टेज बनेगा वो कम हो जाएगा। अगर अभी भी करंट ऊपर की डिरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हम और रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, सपोज 18 की जगह पर 20 कर दे। ऐसे हम वेरिएशन करके एक ऐसा पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R3 हम यहां पर सेट कर सकते हैं जिससे कि पोटेंशियल एट पॉइंट डी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बिकम जीरो। करंट इन जी गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अब ये वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं आ रहा है, ना ऊपर की साइड पर करंट जा रहा है, ना नीचे की साइड पर करंट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो I1 करंट बना था वो I1 करंट डायरेक्टली यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, अब नीचे की साइड पर करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलर वे ये I-I1 करंट यहां से ऊपर भी नहीं जाएगा, ऊपर का करंट जीरो हो गया इसलिए, तो पूरा करंट यहां से फ्लो करेगा I-I1। I-I1 करंट R4 को क्रॉस करके यहां पर आएगा, यहां से करंट आएगा I1, बोथ करंट विल बी एडेड एट जंक्शन पॉइंट C एंड टोटल करंट विल बिकम I which will again go back to back train. So now we know the balance condition of Wheatstone bridge and current through each branch arm of the galvanometer. Now we have to find out condition for the balance circuit. So if we calculate condition for balance circuit, so for that we have two unknowns here. First unknown is I and another unknown is I1. So we need two loop to solve it. So here we'll take first loop like this and we'll apply Kirchhoff loop law. So first we are selecting point A, then we'll go to point B, from point B we'll go to point D, and then from point D to V will go to point A. Now we are applying Kirchhoff second law, loop law here. सबसे पहले I1 current flow हो रहा है R1 resistance में से, calculation की direction A to B, current की direction भी A to B, minus sign लगेगी, minus I1 into R1. Now we are at point B, B से हम जा रहे हैं D पर, यहां पर गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता है जी, जितना सपोज हम रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब यहां पर IR करेंगे तो आंसर जीरो मिलेगा, तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम पहुंच गए डी पॉइंट पर, डी से हम ऐसे जा रहे हैं डी टू ए, बट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू डी, सो दैट इज एन ऑपोजिट कंडीशन, वी हैव टू अप्लाई पॉजिटिव साइन, R3 इनटू I-I1। So this is I-I1 into R3. Now one loop is completed. We are at point A. So that is equal to 0. So I1 R1 is equal to I-I1 into R3. This is our first equation. Similarly, we'll take one more loop. Now we'll take this loop. This loop. So for that loop, we'll start with point B. First we'll take point B, then we'll go to point C, point C to point D, and then point B again. So we are starting from point B here, minus current is I1, this time resistance is R2. Now we are at C point, we are going from C to D.
current is in opposite direction and we have came across one resistance. So we will take positive sign. Resistance is R4, current is I minus I1, and that is equal to 0 because we have to take current in this branch as 0. Now if we simplify this, then I1 into R2 is equal to R4 into I minus I1. This is our second equation. So now we have two equations. If we simplify them by taking ratio, then what we'll get? Taking ratio of equation 1 and equation 2. So I1 R1 divided by I1 R2, that is equal to I minus I1 R3, which is equal to I minus I1 R4. So this will get cancelled. I1 is also cancelled. So R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. So this is important condition for balance situation of Wheaton bridge. Now what is this indicating? If we take ratio of R1 and R2 and ratio of R3 and R4, if these ratios are same, then Wheaton bridge is in balance condition and current flowing through galvanometer is 0. Central branch में से current flow नहीं करेगा. अब इसका मतलब इसकी division में ये रखो, इसकी division में ये रखो, एक answer find करो. अगर वो दोनों equal आ जाते हैं, then Wheaton bridge is in balance condition. Even R1 upon R3 and R2 upon R4 same आता है, तो भी Wheaton bridge जो है, वो balance condition में माना जाता है. तो अब हमारे पास Wheaton bridge की balance condition की हमें वैल्यू पता चल गई, इक्वेशन पता चल गया. R1 और R2 पहले से ही नॉन थे. R3 जो है वो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से सेट करके रखा हुआ था. सपोज हमने 20 ओम वहां पर फिक्स किया था, तो हमारे पास ये तीनों की वैल्यू आ गई. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ R4. अब इस टाइप के Wheaton bridge के सर्किट के क्वेश्चन कैसे आते हैं? सो वी कैन टेक एग्जाम्पल हियर. सपोज हम यहां पर कुछ रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं. मान लो कि हम यही सर्किट को वापस यूज करेंगे. सपोज वी आर गिवन 5 डिफरेंट रेजिस्टेंस लाइक दिस. ये रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल है 5 ओम. दिस रेजिस्टेंस इज गिवन 10 ओम. This resistance is given 10 ohm, this is given 20 ohm and this resistance is 25 ohm. हमें इतना नेटवर्क सपोज प्रोवाइड किया हुआ है. ये A पॉइंट लिखा है और ये C पॉइंट लिखा है. ये हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 1. अब सपोज हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड equivalent resistance between A and C. Find equivalent resistance between A and C. तो सबसे पहले तो हमें ये decide करना पड़ेगा कि ये Wheaton bridge circuit है कि नहीं. So how will decide? तो सबसे पहले यहाँ पर total 5 resistance होने चाहिए. तो 4 arm के 4 resistance और first वाला, fifth वाला ये resistance. तो यहां पर टोटल 5 रेजिस्टेंस है. पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सेकंड कंडीशन, दो पॉइंट यहां पर ऐसे कनेक्ट होने चाहिए जो 3 वायर को जॉइंट करते हो, जो जंक्शन बनाते हो. जैसे यहां पर ये दोनों पॉइंट जो है बी और डी, वहां पर 3-3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल बी के साथ 5 ओम, 25 ओम एंड 10 ओम. डी के साथ भी 10 ओम, 20 ओम और 25 ओम. रिमेनिंग दो पॉइंट हमें ऐसे मिलने चाहिए जहां पर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, 5-10 जैसे ये एग्जांपल में, यहां पर 10 और 20. तो अगर हमें ऐसे दो जंक्शन में दो पॉइंट मिलते जहां पर दो दो रेजिस्टेंस है और दो ऐसे पॉइंट मिले जहां पर 3-3 रेजिस्टेंस है, तो इस केस में इसके Wheaton bridge होने का चांस है. अब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि क्या यह Wheaton bridge बैलेंस कंडीशन में है. तो हम देख लेते हैं.
हमारे पास R1 है यहां पर, इसको हम R1 कंसीडर करें, वो 5 ओम। R2 हमारे पास है 10 ओम। दैट मींस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1/2। सपोज वी कंसीडर R3 एंड R4। R3 इज 10 ओम हियर, R4 इज गिवन 20 ओम। सो इफ यू टेक रेशियो ऑफ R3 एंड R4, that is 10 upon 20 which is also equal to 1/2. Now here 1/2 is same, that means this condition is satisfied. अगर ये condition satisfied हो जाती है तो इसका मतलब कि हमें मिल गई balance condition. Wisdom bridge यहां पर balance condition में है. अगर wisdom bridge balance condition में है तो ऐसी situation में इसका voltage जो VB है और इसका वोल्टेज जो VD है, ये दोनों सेम होने चाहिए. सो VB इज इक्वल टू VD, और जब VB और VD सेम होते हैं देन करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 25 ओम रेजिस्टेंस I मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि करंट फ्लो करवाने के लिए कंपलसरी पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए. जब ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही नहीं है तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकता. अगर यहां पर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस वहां पर अटैच करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें करंट जाएगा नहीं, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो अब हमें मिल गई सिंप्लीफाइड सर्किट. ये सिंप्लीफाइड सर्किट को फर्दर हम सॉल्व करें तो यहां पर हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस जो है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज. सिमिलर वे these two resistance are also connected in series. So series में अगर simplify करेंगे, this will be 5 plus 10 which is equal to 15. So R dash will become 15 ohm. Addition of these two and R double dash will become 10 plus 20 which is equal to 30 ohm. Now if we redraw the simplified form, A point, C point, we have one resistance of 15 ohm between them, one more resistance of 30 ohm between them, and these two are connected in parallel. This connection is parallel connection. So if we simplify this connection, then R equivalent will be equal to R1 into R2 upon R1 plus R2. Formula of parallel connection. So 15 multiplied by 30 upon 15 plus 30. So this will be 15 into 30 divided by 15 plus 30. So this will become 45. 3, 10. So 10 ohm will be our resultant resistance. So this is the way to solve circuit. अब wisdom bridge circuit हमें अलग-अलग form में दी जाती है. So it is not directly like the previous figure. So sometimes we have to rearrange it so that we can identify that circuit is in wisdom bridge form. For example, हम यहाँ पर एक और example ले रहे हैं. Suppose we are given one circuit like this. Three resistances are given like this. One more resistance is connected and one more resistance is connected. For example, this is point A, this one is point C. Now value of each resistance is, for example, 2 ohm, and now we are asked to find out equivalent resistance between point A and point C. So see here, this point will have different potential than this point or any other point, because everywhere there is resistance. So we'll write this point as, suppose, B point. And similar way here also potential will be different, so we have to name it differently. Suppose it is D point. So now we have four points here, A,
B, D and C point. This is C point. Now how many resistors are seen? 1, 2, 3, 4 and 5 resistors. So 5 resistances are there, 4 points are there. Point B we can see, we have connected 3 resistors, 1, 2 and 3. Similar way at point D also we have 3 resistors, 1, 2 and third one is here. And at point A we have connected 2 resistors, this 2 ohm, 2 ohm. And at point C we have connected 2 resistors. So if we rearrange this circuit, so it will be like this. Here, suppose we write point A. This is point C. B point we write somewhere over here. And D point in opposite side. Now, first resistance is connected between point A and point B. So we have to connect it over here. 2 ohm resistance. Second resistance is connected, this one, is between B and D point. B point is here, D point is here. 2 ohm resistance is connected like this. This resistance is connected between A and D point. So here between point A and point D, we have to connect this 2 ohm resistance. Next, this resistance that is connected between point B and C. So here we have B and C point. We can connect it like this. This is also 2 ohm resistance. And finally, we have this resistance which is between point D and C. So here we'll connect that resistance. So now you can see, this is like our previous figure. This is piston based circuit. Now we have to check whether it is in balanced condition or not. So what we'll do, we'll take R1 upon R2. R1 upon R2. So 2 ohm divided by 2. That is equal to 1. Similar way we are taking R3 upon R4. This is R3 point. This one is R4 point. 2 divided by 2 again. So this is also 1. So now we have R1 upon R2 which is equal to R3 upon R4. So again point B and point D are having same potential. So current flowing in this branch will be 0. So we have to directly remove this branch. Here we can also use concept of symmetry. See, figure on left hand side and figure on right hand side is perfectly symmetric. So we can remove resistance which is on this line. Now, you have to simplify this circuit like previous circuit. 2 ohm, 2 ohm, these two are connected in series. That is 4 ohm. So here we will get 4 ohm. These two are also in series. So here also we will get 4 ohm. And these 4 ohm are connected in parallel. So these two are in parallel. So if we simplify them, again we will get 2 ohm. So R equivalent will become 2 ohm in this circuit. So we will have one more circuit. We are taking one more example here. Suppose we write example number 3. We are connecting some resistance here. Suppose this is D point. This one is C point. We have written over here. Now, we are given 5 resistance having value R each. And now we have to find out equivalent resistance between suppose point D and point C. So this is actually again Wheaton bridge circuit because we have 5 resistance, 3, 4 and 5. At this point, D point, we have attached 3 resistance, R, R and this one R. And point A also we have attached 3 resistance, 1, 2 and 3. And for point D we have 2 resistance, with point C we have 2 resistance. So this is Wheaton bridge circuit. Now how will rearrange this circuit? So for that, we have to pull this point D and we have to take this branch on this side. So suppose point D ko hum yahan se lift karke yahan par le aate hain. This is now our point D.
ये रेजिस्टेंस हमने वहां से पुल करके यहां पर लगा दिया और ये रेजिस्टेंस को हम पुल करके यहां पर लगा देते हैं लाइक दिस आर एंड आर. सो नाउ यू कैन सी दैट ये सी पॉइंट को हम सामने कर देते हैं. आपको ये एक विस्टनबी सर्किट अगेन दिखने लगेगी. डी और सी पॉइंट दो ऑपोजिट पॉइंट आ गए, ए और बी दो ऑपोजिट पॉइंट आ गए. हम ए और सी के डी और सी के बीच में बैटरी लगा सकते हैं, ए और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर वाला. तो यहां पर अगर हम फिर से सोचे आर एंड आर ये दोनों का रेशियो, सो आर वन अपॉन आर टू इफ वी फाइंड आउट आर अपॉन आर दैट विल बी वन. इफ यू टेक रेशियो ऑफ आर थ्री एंड आर फोर, आर थ्री अपॉन आर फोर दैट इज ऑल्सो आर अपॉन आर विच इज वन. सो अगेन विस्टनबी इज इन बैलेंस कंडीशन because R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, this condition is satisfied. So now voltage across point B, VB, and potential across point A, VA are same. So current will not flow through this branch. We have to remove it. So these two of R are connected in series. These two R are connected in series. So here we'll get 2R. This will be 2R, this will be 2R, and this both are connected in parallel. So final answer R equivalent will become R. So this is simplification of Wheaton-Bridge circuit.